आज भी मैं ट्राई करियो तो दूध और पानी जगह पे पी रही के लॉजिक है के पीछे बहुत ऊपर जान सका क्योंकि बोले जाए कि भगवान की जगह लीला है बा परम पार है अपनी समझ से बिल्कुल बाहर है। अभी दिन सब मैं टायर्ड आई है और जी टीम स्टार्ट हुई पीनो है पी सब आके फटाफट पी लाई हूँ। सब टाबर वगैरह कोई छोटो छोटा बच्चा के तो खेल उग गयो। अच्छा छोटा छोटा बच्चा तो भागे चमची भरे पानी पा दे दूध नहीं तो। अच्छा। भी ग्रुप में कह रही कि अपने ठाकुर जी के मंदिर में शिव नंदी और मातेश्री दुर्गा की जो मूर्तियाँ हैं वो पानी और दूध पी रही है। तो मैंने साहब वो ग्रुप में मेरे पास सदर थाने से फोन आया। राम राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहा हूँ झलको झुंझुनू और आदाब पूछ रहा हूँ झुंझुनू कैर तोगड़ा स्वरूप सिंह गांव के अंदर जगह ग्राम पंचायत लागा जाड़ी कला और भारत में जो वो भगवाना को और चमत्कारा को जो को देश खोजा है और बन लागे के बीच इतना बिल्कुल कड़े कड़े सार्थक जगह है वे लगातार है जगह चमत्कार में भारत के अंदर होता नहीं एक नया जो को चमत्कार अपने सामने आया है कि गांव के अंदर एक छोटा सा मंदिर है देशको के सामने जगह राधा कृष्ण की मूर्ति है और मेरे बिल्कुल पीछे साइड में जो था देशको की बालाजी की मूर्ति है और इसे थोड़ा सा बगल में जो वो शिवलिंग उरा है नंदी की जगह मूर्ति है और साथ में बात करें कि माता जी की जगह मूर्ति है और सुनम या ये कि परशु जो को है परशु से नंदी और माता जी की जगह मूर्ति है वे दूध जगह है बराबर पी रहे हैं आधा हो रहा है बातचीत लोगों से कराँगा आपा भी ट्राई कराँगा कितनी के अंदर वास्तविकता है वीडियो शेयर कर देना है लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? मेरा नाम नरेश सिंह शेखावत है साहब। नरेश जी मैं बताओ कि कद से यह चीज़ शुरू हुई है कि दूध वगैरह पीने को या साहब सर्वप्रथम तो मैं झुंझुनू जलको झुंझुनू टीम का बहुत आभारी हाँ कि आप लोग हमारे गांव में पधारा हकीकत देखने के लिए। 14 तारीख ने सुबह करीबन 10:15 बजे महाराज शास्त्री जी अम्मू शास्त्री जी आकने बसाव से फोन आयो कि साहब मारा एड्रेस शिव मूर्ति और शिव जी जो नंदी है वो दूध और पानी पी रही है। अच्छा। तो थे भी प्रयोग करके देखो तो ए प्रयोग करो जरा ए प्रयोग करके और गांव का 5-4 आउट लोग बाग साथ था। अच्छा। ए प्रयोग करके ए बिन देख कर एक गांव को हमारा ग्रुप है तोगड़ा स्वरूप सिंह को ग्रुप है गांव को भी ग्रुप में कह रही कि अपने ठाकुर जी के मंदिर में शिव नंदी और मातेश्री दुर्गा की जो मूर्तियाँ हैं वो पानी और दूध पी रही है। अच्छा। तो मैंने साहब वो ग्रुप में मेरे पास सदर थाने से फ़ोन आया हमारे जो ग्रुप है उससे सदर थाना जुड़ा हुआ है। अच्छा। थाने से फोन आया कि साहब आपके ग्रुप में देखिए क्या हो रहा है आज गांव में क्या नया काम हो रहा है। तो मैंने उसको ग्रुप को खोल करके देखा तो वास्तविक मैंने इनको फ़ोन किया शास्त्री जी को कि ये हकीकत है क्या शास्त्री जी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप आ करके देख लो। तो मैं क्या अचानक से लोग कई माने भी नहीं जी तो मैं क्या है नास्तिक भी हूँ आस्तिक भी हूँ। अच्छा। तो मैं जल्दी से क्या है कि इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आके साहब पूरा गांव इकट्ठा हो रहे हो जा लेडीजा वेडीजा फिर मैं सब ने दूर करके मैं बोलो साहब मैं खुद दूध पिलाऊँगा। तो मैं साहब चमची लेकर के कम से कम भी 10-12 चमची तो मैं दूध की पिलाई। अच्छा। हाथ सीधो रख के एकदम बिल्कुल सीधो हाथ के जो भी टेक्निकली जो मैंने जो यूज आया मेरे जो दिमाग में आया वे सारी टेक्निकल यूज करते हुए और मैं नंदी ने और माता जी की मूर्ति ने वो दियो बी के बाद में मैं आपके झलको झुंझुनू पे फ़ोन करियो कि साहब ऐसी ऐसी हमारे गांव में ये चमत्कार हो रहा है। मैंने तो कि सबसे पहले थारे थे चेक करियो बिन। हाँ। क्यों हो कहे थे चेक करियो कौन बताया कि मैंने बसाव से फ़ोन आयो कि गणेश नंदी जी और माता जी दूध पी रहा है। अच्छा। तो मैं वहाँ पानी पा के देखियो कि भाई पानी पावा पहले पियो है कौन पिया झूठी है अफवाह है जब मैं पा के देखियो तो पानी पियो। अच्छा। और दूध पियो। अच्छा। जब हमारे बच्ची पहली वो बच्ची पिलाने लगी जब बोलियो पापा दूध पियो पानी पियो है तो गणेश नंदी जी मैं पायो और गांव में कोई कहिया ग्रुप में बताई सब आया गांव का बेड़ा सब पानी पिलाई। अच्छा तब कई लोग देखो ऑब्वियसली बात है कि समाज हो चाहे गांव हो भी के अंदर ज़्यादा आस्तिक लोग भी हुए हैं ज़्यादा नास्तिक लोग भी हुए हैं तो कोई नास्तिक कोई आदमी है को आगे वो भी चेक करेगा कि भाई मैं चेक करूँगा भाई यहाँ कि तो हो ही कौन सके फिर वह होगी आगे चेक करा सबका सामना बढ़िया तरीके से एकदम अच्छी तरह से दूध पी रहा सब गांव में कई बार आप देखा है कई आदमी एक आदमी आए हैं नास्तिक व्यक्ति जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं वो लोग भी आए हैं और मैंने मेरे ग्रुप में या मेरे जो फेसबुक पे मैंने इसको चढ़ाया तो मेरे पास कई मेरे जो मिलने वाले थे कोई घनिष्ठ थे उनका फ़ोन आया कि साहब भाई साहब आप समझदार होते हुए भी आप ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते हो तो मैंने उनको ये कहा कि आप मात्र बुगाला से आया था मेरे पास तो मैंने कहा मात्र 3 किलोमीटर बुगाला हमारे गांव से आप स्वयं कल की मैं बात नहीं कहूँगा पर आज स्वयं मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज़ को जब मैं इसको आस्तिक मान रहा हूँ बिल्कुल देखा चीज़ कहता कि हाथ कंगन ना आरसी की और पढ़े लिखे फारसी की अगर आपने सामना कर चीज़ हो रही है तो क्या लगा फिर तो भी ऊपर विश्वास करना ही पड़ोगे दूध पिया था हमने खुद ने पिलाया था कद की बात है परसों की
14 तारीख अच्छा प्रदोष को व्रत हो विदिन सब में अटायर्ड आई है और जी टी एम स्टार्ट हुई पीनो है पियो सब आके फटाफट पिलायो में सब टाबर वगैरह कोई छोटो छोटा बच्चा के तो खेल उग गयो अच्छा छोटा छोटा बच्चा तो भागे चमची भरे पानी पा दे दूध नहीं तो भीड़ कम हुआ है और बच्चा घुसे अंदर और छोटके बच्चा तो अटे खेले रटे दूध पावे और पानी पावे गाँव में इससे पहले भी मंदिर में कोई को चमत्कार होगी अभी तो गोनियो भी हूँ पहले मैं एक बार झुंझुनू रहता जब मैं खुद पिला के आया झुंझुनू में भी 20-25 साल पहले भी हुआ था ऐसा गांव में नहीं बताया जी मेरे होता है जी यहाँ की उम्र थोड़ी ज्यादा है थारी उम्र ज्यादा बनाया तो इससे पहले भी गाँव में कदम हुई कहेंगे अच्छा परसों देखी के लागे था देखो बाकी टाबर छोर आए थाने अनुभव ज्यादा है के लागे हैं की चीज क्या पॉसिबल है चमत्कार ही है भाई महाराज का अच्छा तो कल सोमवार है सोमवार को व्रत रखेगा पूरा गांव का सोमवार काल है लोहागर से कावड़ लाने गए हुए हैं सोमवार का व्रत रखेंगे और ये बात सत्य है 14 तारीख की बात है और सभी ने देखा और पाप आज का कावड़ लेके आ रहे थे कावड़ उन्हें चढ़ाऊंगा यहाँ चढ़ाएंगे शाम के आ जाएंगे और सुबह कावड़ चढ़ाएंगे आरती के टाइम पर आरती में करता हूँ हाँ ना पहले कोई कहानी को नहीं अचानक से क्या बात हुई अचानक की मर्जी चेक भी नहीं किया हमने तो सही है साल पहले ये शिव जी का मंदिर भी नहीं बना हुआ है और फिर है ना जो इतनी मोबाइल वगैरह की सुविधा भी नहीं थी कहीं से सूचना जाए कि भाई यहाँ ऐसा हो रहा आप भी ट्राई करो अब जो जैसे मीडिया की वजह से सबको पता चल जाता है कि वहाँ हो रहा नए जमाने की भूमि यहाँ से बातचीत कर क्योंकि ये थोड़ी सी कम मानी है चीज़ हमें मैंने बताओ कि विश्वास हो रही चीज हो रही है खुद कर जी सर मैं खुद करके गई थी तो मुझे खुद को इस चीज़ पर विश्वास हुआ मैंने अपने हाथ से किया जी सर हो रहा बिल्कुल हाँ जी सर मैंने विश्वास इससे पहले भी विश्वास कराया करता था कि चीज़ों के ऊपर जी सर पहले तो कभी ऐसी चीज़ देखी भी नहीं अच्छा और किया भी नहीं मैंने तो पहली बार ही किया है राम 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 कौन सी क्लास में होगा फर्स्ट ईयर में होगा साइंस पढ़ता होगा आर्ट्स आर्ट्स में हो बाकी टेंथ तक तो पढ़ी होगी साइंस अगर मैं बताऊँ कि साइंस के अंदर तो यहाँ की चीज़ें हुई कोई भगवान ने मानो ना मानो कौन चीज़ें हुई थे भी आगे ट्राई करेगी परसों तो क्या लगेगी वास्तव में कुछ है कि भाई बड़ा तो कोई कहीं ये लोग तो ज़्यादा कुछ पहले से भगवान से मानता आ रहे हैं और करता रहे हैं अब की पीढ़ी क्या लगेगी बस चीज़ अभी भी है कि करके देखे हो भी आएगा बेटा हाँ ये भी करके देखे हो हाँ दूध पियो हाँ नीचे तो कौन पड़े हो गए पक्की बात पक्की बात राम राम जी राम 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 सर परिचय दे एक बार मैं सरजीत सिंह मीना ग्राम तोगड़ा स्वरूप सिंह का निवासी हूँ तथा राजस्थान पुलिस में एडिशनल एसपी से रिटायर्ड हुआ हूँ और तर गाँव में अभी आया हाँ बता रहे हैं कि नंदी जी जगह ही माता जी जगह पे दूध पी रहे हैं पानी पी रहे हैं तो के थे भी अच्छी जन मानो हो के या फिर अब मानना शुरू हो गया के लगा कि के चमत्कार है नहीं ये चमत्कार तो ज़रूर हुआ है गांव के सभी लोगों ने क्या नाम दूध पिलाया है लोगों ने देखा अपने माता जी की मूर्ति करते दूध पी रहे थे नांदिया जी भी दूध पी रहे थे और दूसरी मूर्तियाँ हैं वो भी दूध पी रही थी कब बने हुए मंदिर ये मंदिर है 19 जनवरी 2014 को बना था और गांव के सभी लोगों का सहयोग से ये मंदिर बना है सभी लोगों ने इसमें आस्था है गांव में शिव जी का मंदिर पहले नहीं था तो 2014 के अंदर मंदिर बने है 2023 के अंदर यानी लगभग 9 साल की बात होगी पहली बार आया को कोई चमत्कार है कि कोई घटना सामने आई है क्या लगा कि इतनी साल ध्यान को दियो फिर भगवान को आशीर्वाद 23 में मिले अपन नहीं ध्यान तो हर साल दूध पिलाते रहे हैं पर अब की बार ये आशीर्वाद गाँव वालों को मिला है अच्छा इलाके गांव में कुछ बढ़िया होगे नहीं गांव में क्या नाम आस्था बनी है धर्म के प्रति और काफ़ी लोग अब आस्तिक होने लगे हैं हमारे गांव में अभी भागवत का पाठ भी चल रहा है भगवान क्या नाम शिव जी क्या नाम है गांव वालों पर राजी है ऐसा लग रहा है धन्यवाद देखिए अरुण जी हमारा गांव जो तोगड़ा स्वरूप सिंह है उसके अंदर हर जाति के लोग हैं सिर्फ एक मोमडन कास्ट को छोड़ करके बाकी करीबन हमारे गांव में सर्व समाज बैठता है और यहाँ हमारे गांव का खास करके ये रहा है कि पूरा समाज जो है एक मिलजुल के रहते हैं हम लोग जैसे अभी भागवत का काम चल रहा है हमारे गांव में भागवत कथा सर्व समाज की तरफ से भागवत कथा तो अभी उरे चमत्कार हो रहे थे कुछ प्लान करेगा कि कोई स्वामी वगैरह को कोई प्रसाद वगैरह बिल्कुल इसका प्रोग्राम है अभी बच्चे कावड़ लाने के लिए गए हुए हैं कल से और कल वो कावड़ लेके आएंगे कावड़ चढ़ाने के बाद में रात को जागरण होगा और जागरण होने के बाद में नेक्स्ट डे स्वामी होगी दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ हमारे गाँव ने मिल करके हमारी
300 गांव की शमशान भूमि है नड्डा जोड़ा में, उसको पूरे सर्व समाज ने मिल करके, आपको भी मैं ये कहूँगा कि आप भी उसको देखिए। और आप देख रहे हैं कि एक अंदर जो को आप भी ट्राई कर रहे हो है आकी, और बता रहे हैं कि परसों जो कहें बिल्कुल धड़ाधड़ बता रहे हैं कि टाबर भी प्यारे पी रहे हैं, आज भी मैं ट्राई कर रहे हो तो दूध और पानी जगह पर पी रही के लॉजिक है के पीछे बहुत ऊपर लो जान सका है, क्योंकि बोले जाए कि भगवान की जगह लीला है वह परम पार है, अपनी समझ से बिल्कुल बाहर है। थारे भी गांव में है कि कोई घटना हुई कि थारे आस पास थे भी हैं कि कोई घटना का गवाह थे बने आगे थे माने कमेंट उसमें जरूर बताओगा, वीडियो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।